क्वेश्चन ये है कि इफ एन इज इक्वल टू 37,500 देन ऐसा डिविजन नंबर ऑफ डिविजर्स नंबर ऑफ डिविजर्स दूसरा नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स प्रॉपर डिविजन पता है क्या होता है क्या होता है जी वन और 37,500 छोड़ करके जो डिविजर होंगे वो प्रॉपर डिविजर नंबर ऑफ इवन डिविजर्स अगला डिविजर ऑफ फॉर्म नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजर्स ऑफ फॉर्म पांच का मल्टीपल वाला डिविजर्स नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स सिक्स नंबर नंबर ऑफ Divisors which are not divisible by 10. इतने क्वेश्चन है जी सामने सवाल है सॉल्यूशन आप बनाइए इवन डिविजर्स नंबर हाँ करो और कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के हेल्प से कंपोज किए जाते हैं ये फैक्ट सबको पता है अभी पढ़ने में ध्यान दे दो भाई एन इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा दो कितने बार आएगा जी दो कितने बार और तीन और पांच 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 बार आ रहा है और क्या आ रहा है बस इतने ही नंबर आ रहे हैं ओके ठीक है सम नंबर ऑफ डिविजर्स पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ डिविजर्स टू को कितने तरीके से ट्रीट करोगे तीन और तीन को कितने तरीके से दो और पांच को तो ये छः बारह या छत्तीस कितने हो गए जी 36 पहले का आंसर 36 और दूसरे का आंसर प्रॉपर डिविजर तो 36 माइनस वो दो नंबर हटा देते वन और इटसेल्फ दो नंबर हटा देते प्रॉपर डिविजर आ जाता है तो वन एंड इटसेल्फ हटाने के बाद कौन बचेगा 36 माइनस टू तो कितने टोटल डिविजर्स हुए प्रॉपर 34 थर्ड क्वेश्चन क्या है इवन डिविजर्स इवन डिविजर्स वो होते हैं ना जिसमें कम से कम एक बार दो दो होना चाहिए मतलब दो को ट्रीट कर दो कितने हैं जी तीन है इसको सजाओगे तो ऐसे लिखोगे टू टू एक प्लेट में टू टू है और दूसरे प्लेट में कौन है थ्री और तीसरे प्लेट में क्या है फाइव 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 ऐसे प्लेट सजे हुए हैं अच्छा ये जो दो को तीन तरीके से ट्रीट करें वो नहीं करना है कम से कम एक दो लेना ही पड़ेगा और कम से कम एक दो लेने कितने तरीके हैं मतलब जीरो दो लेने का तरीका नहीं है तो एक दो लेना पड़ेगा ऐसे डिविजर्स जो इवन है तो उसमें दो होना ही चाहिए और अगर टू चाहिए ही चाहिए तो टू एक टू लोगे तो एक तरीका और दो बार टू लोगे तो एक और तरीका टोटल कितने तरीके हुए दो को ट्रीट करने के दो तो इवन डिविजर्स में टू चाहिए ही चाहिए इवन डिविजर्स में टू चाहिए चाहिए ना इट मीन्स टू कैन बी ट्रीटेड इन टू कैन बी ट्रीटेड इन टू वेज समझ आया बात एक में जिसमें एक बार वन टू लिया एक जिसमें दो बार टू लिया तो दो ही तरीके से इससे पहले दो को कितने तरीके से ट्रीट कर रहे थे आपने तीन तरीके से क्योंकि वहाँ चॉइस था कि दो नहीं भी लोगे तब भी काम चल जाएगा
पर यहाँ चॉइस ये नहीं है दो नहीं लेने का, यहाँ पर क्या है एक बार दो लो या फिर दो बार दो लो, तो दो कितने तरीके से ट्रीट होगा, दो तरीके से। तो इवन डिविजर्स, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स क्या होंगे, बोलो जी, दो ट्रीट करने कितना तरीका, दो ट्रीट करने का दो तरीका, तीन नहीं इंटू तीन ट्रीट करने का, एक लेने और नहीं लेने इसके भी दो तरीके, और पांच को ट्रीट करने के छह तरीके, कितने हो गए जी 24। ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ द फॉर्म 5m, पांच चाहिए ही चाहिए आपको, तो पांच को जो आपने छह तरीके से ट्रीट करे हो, अब कितने तरीके से ट्रीट करो, एटलीस्ट 15 चाहिए आपको। अच्छा, दो को ट्रीट करने कितने तरीके, डिविजर्स ऑफ फॉर्म 5m वो हो जाएगा, दो को ट्रीट करने के तीन तरीके, या तो एक बार दो सेलेक्टेड होगा, या तो जीरो बार दो सेलेक्ट किए जाएंगे, या तो दो बार दो सेलेक्ट किए जाएंगे, तीन तरीके, तीन को ट्रीट करने के दो तरीके, या तो एक बार सेलेक्ट किए जाएंगे या जीरो बार, तो दो तरीके। लेकिन पांच को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, पांच को सेलेक्ट करने के पांच ही तरीके हैं, जीरो बार सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ नहीं है, पांच चाहिए ही चाहिए। तो ये वो नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, तो ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल है वो 5 का मल्टीपल हो जाता है, जो 25 का मल्टीपल है वो भी 5 का मल्टीपल हो जाता है, जो 125 का मल्टीपल है वो भी 5 का मल्टीपल हो जाता है। तो मतलब पांच को कम से कम एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कम से कम एक बार सेलेक्ट करने के कितने तरीके, पांच तरीके। तो आप कितने हो गए, 30 हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस किस का सही है, सेकेंड शाबाश, थर्ड वाह, फोर इकलौते आप रह गए, फोर में दो आप और आप, एक दो तीन चार, इतने सारे लड़कों, चार ही बच्चे ने फोर्थ क्वेश्चन बनाया। पांचवें नंबर में सीन क्या है जी, ऑड डिविजर्स, बोलो ऑड डिविजर्स चाहिए तो क्या चाहिए उसके लिए, टोटल माइनस, टोटल माइनस इवन, टोटल कितना है जी, फर्स्ट नंबर का आंसर देखो और इवन कितने हैं, तो आंसर क्या हुआ 12 ऑड डिविजर्स। सिक्स नंबर में सीन क्या है, नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 10, ऐसे डिविजर बनाओ जिसमें दो ना ही तो दो है ना ही पांच है, नॉट डिविजिबल बाय 10। एक आइडिया इस्तेमाल करो, टोटल में से 10 से डिविजुअल नंबर गायब कर दो, समझ पाए, टोटल में से 10 से डिविजुअल नंबर गायब कर देते, तो टोटल कितने, ऐसे नंबर गिन लो जो डिविजिबल बाय 10 है, डिविजिबल बाय 10 का मतलब एटलीस्ट 1 चाहिए, एटलीस्ट एक बार 2 चाहिए, और एटलीस्ट एक बार 5 चाहिए। तो ऐसा कर लो कि नंबर टोटल माइनस डिविजर्स, डिविजर्स ऑफ फॉर्म 10m, 10 का मल्टीपल चलता है क्या आपको, टोटल कितना है जी 36, माइनस डिविजर्स ऑफ 10 का मल्टीपल, 10 के मल्टीपल कैसे बनेंगे, दो भी चाहिए पांच भी चाहिए, तो दो को ट्रीट करने कितना तरीका, फिर एटलीस्ट एक बार दो चाहिए चाहिए, तो दो को ट्रीट करने के दो तरीके, तीन को ट्रीट करने के दो तरीके, और पांच को ट्रीट करने के पांच ही तरीके, क्योंकि जीरो बार पांच सेलेक्ट नहीं की जा सकती। तो अब लिख लो 36 माइनस कितना 20, कितने हुए जी 16, ऐसे नंबर हुए जिसमें 10 नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल डिविजर्स, वो तो बहुत आसान है, सम ऑफ ऑल डिविजर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, किसी भी मार्कर में इंक नहीं है, ये सम ऑफ ऑल डिविजर्स कैसे लिखोगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर प्लस 2 का पावर इन टू 3 का पावर 0 या फिर 3 का पावर 1 इन टू 5 का पावर 0 यूज कर सकते हो, 1 यूज कर सकते हो, 5 को 2 बार यूज कर सकते हो, 5 को 3 बार यूज कर सकते हो, 5 को 4 बार और 5 को 5 टाइम्स, इन सबको ऐड कर दो, बोलो कितने होंगे, ये 4 2 6 1 7 इन टू ये 4 इन टू इन्हें इसे डायरेक्ट ऐड कर दें क्या, बोलो कितना होगा 3906, मल्टीप्लाई करो 0986, ये रहा, इस कैलकुलेशन की गारंटी नहीं लेता हूँ मैं,
बावड़े पहुंच 28, 8, 6, 48 रात में लास्ट में 8 आएगा, 6 कहां से है अभी? 6 के बाद लिखना है। अच्छा एक बार 8 और लिखना है, बोले नहीं थे। 10, 98, 68 ऐसा है क्या? पता नहीं, मैं कैलकुलेशन की गारंटी नहीं लेता हूँ, मुझे इस पे भरोसा भी नहीं है। जो बोलोगे मैं लिख दूंगा। अच्छा सम ऑफ इवेंट डिविजर्स कैसे मिलेगा जी? इवेंट डिविजर्स में 2 का पावर 0 नहीं लिखना है, समझ गए? 2 पावर 0 नहीं लिखना। इवेंट डिविजर्स में 2 को 0 बार ट्रीट करने का ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए 2 को बस इतना सा करना, ये नहीं लिखना। तो यहाँ जो 7 है ना वो 6 होगा, ये 7 जो है 6 हो जाए। सम ऑफ इवेंट डिविजर्स, टू को जीरो बार ट्रीट करने का चॉइस है क्या? अगर जीरो बार ट्रीट किया तो इवन। अरे आप लोग बोलते भी नहीं हो यस या नहीं, मैं पूछता हूँ 3 बार सवाल, टू को जीरो बार ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते ये? करूंगा क्या गड़बड़ होगा? इवन बनने की गारंटी नहीं रहेगी। अरे ऑड बन जाएगा ऐसा नहीं है, इवन ही बनेगा ऐसा नहीं है, बस डिफरेंस है दोनों के बीच में। टू को मैं 0 बार ट्रीट करूंगा, फिर 1 बार भी तो ट्रीट कर रहा हूँ तो इवन भी तो बन सकता है, लेकिन 2 को 0 बार ट्रीट करने से इवन बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। हमको इवन चाहिए तो 2 को 0 बार ट्रीट करने का चॉइस नहीं है। 2 को मैं 0 बार लूंगा कि 1 बार लूंगा? कम से कम 1 बार या फिर 2 बार। और उसके बाद 3 को कितने तरीके से ट्रीट कर सकते हो? 0 बार या फिर 1 टाइम। और 5 को 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बराबर 5 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा? 6 × 4 × 3906 मल्टीप्लाई करके बोलो जो कुछ होता हो आंसर। आता है मल्टीप्लिकेशन की सिखा दूं? अरे हाँ, तो ये तो बोलो कि आता कि नहीं? ये लोग कुछ रिप्लाई नहीं करता है, कैसे पढ़ाएंगे हम आपको? भाव खाते हो क्या? 24 24, हाँ लास्ट डिजिट सही है, बाकी का नहीं पता। क्या आपको ये सवाल के सभी टाइप समझे? इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अ पर्सन इज परमिटेड एक व्यक्ति टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट मत लिखना, एटलीस्ट वन एंड एट मोस्ट वन एटलीस्ट वन एंड एट मोस्ट एन, कम से कम एक ज्यादा ज्यादा एन क्वाइंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ क्वाइंस, सिक्के क्वाइंस फ्रॉम अ सेलेक्शन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ टू एन प्लस वन डिस्टिंक्ट क्वाइंस, 2n+1 डिस्टिंक्ट क्वाइंस, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट क्वाइंस इज 255 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन
फाइंड द वैल्यू ऑफ n. आपको एक बात पता है लेकिन मैं एनालाइज करके देता हूं क्योंकि आपका एनालिसिस वहां तक पहुंचेगा नहीं. ये रिजल्ट आपको पहले से पता है पर फिर भी मैं एनालाइज करके देता हूं. मान लीजिए आपके पास में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है. कितने हैं जी? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट. और इस समय आपके पास कितना ऑब्जेक्ट है? 2n प्लस 1 ऑब्जेक्ट है. 2n प्लस 1 ऑड नंबर कि इवन नंबर? कि कुछ पता नहीं. ऑड. एक 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 चीज याद रखना, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट रहे तो nc0 का क्या मतलब होगा? nc0 का वैल्यू 1 है लेकिन इसका ज्योमेट्रिक, इसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में मीनिंग है वह है कि n में से 0 बंदे सेलेक्ट किए गए, n में से 1 बंदे सेलेक्ट किए जाए. अब अगर आपको ऐसा बोला जाए कि n डिफरेंट पर्सन में से, पर्सन डिफरेंट ही होते हैं, n डिफरेंट पर्सन में से आप सिलेक्शन करो एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 2 टू द पावर n. इसे कितने तरीके से ट्रीट करूंगा? या तो लूंगा छोड़ूंगा, लूंगा छोड़ूंगा, लूंगा छोड़ूंगा, लूंगा छोड़ूंगा, लूंगा छोड़ूंगा. टू वे, टू वे, टू वे, टू वे, टू वे. कितने एलिमेंट है जी? n. तो 2 का पावर n होने वाला है. एक और तरीका से, n ऑब्जेक्ट में से मैंने पहले 0 बंदे सेलेक्ट कर लिया. ऐसा भी कर सकता हूं मैं, n में से 0 सेलेक्ट करूं, या तो 1 सेलेक्ट करूं, या तो 2 करूं. 2 करने कितने तरीके? या तो 3 करूं, या तो 4 करूं, या तो 5 करूं, अप टू. क्या ये भी वही है कि n स्टॉक में से या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेलेक्टेड फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स. अब नंबर ऑफ वेज क्या होता है? 2 का पावर n. क्या इस स्टेटमेंट को ऐसा बोल सकते हो? एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. उसके तरीके क्या है? nc 0 या फिर 1 या फिर 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो n. सबका सम कितना होता है? 2 का पावर n. और इसको प्रैक्टिकली जानते हैं ना, n ऑब्जेक्ट है तो हर एक ऑब्जेक्ट को ट्रीट करने कितना तरीका? पहले ऑब्जेक्ट को दो तरीके से, दूसरे को दो से, तीसरे को दो से, दो से, दो से, दो टू कितने टाइम्स? n टाइम्स. तो 2 टू द पावर n और लेफ्ट हैंड वाली चीज, दोनों एक ही बात है कि अलग अलग? तो क्या ये सभी का सम 2 टू द पावर n होना चाहिए? ये रिजल्ट आपको पता चल गया? अच्छा देखो, अब क्या आप ये भी जानते हैं कि nc n और nc 0 दोनों आपस में इक्वल होते हैं? इतना जानते हो क्या? अरे ये बात आप जानते हो कि अगर 6c2 लिखा है तो 6c4 भी लिख देंगे तो दोनों बराबर ही होगा. अगर इन दोनों लोअर सफिक्स का सम इसके इक्वल है, पता है कि नहीं? आप तो बोलोगे नहीं. फॉर्मूला पढ़े हो कभी? ncr इक्वल टू ncn माइनस r. हाँ कि ना? पढ़े हो? 10c4 कैलकुलेट करके देखो, 10c6 के इक्वल आएगा. ये भी 10 फैक्टोरियल है, इसके बीच का गैप 4, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसके बीच का गैप 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, दोनों एक बात है कि अलग अलग है? तो अगर 8c2 बोलेंगे, 8c6 बोलेंगे तो इक्वल होगा कि अलग अलग रहेगा? और 14c11 किसके इक्वल होगा? 14c3 के. और 15c20 किसके इक्वल होगा? 20c15 किसके इक्वल होगा? 25c10 किसके इक्वल होगा? 25c12 किसके इक्वल होगा? 50c37 किसके इक्वल होगा? 68c65 किसके इक्वल होगा? 68c3. 88c87 किसके इक्वल होगा? 99c57 किसके इक्वल होगा? हैं? NC n किसके इक्वल होगा? NC5 किसके इक्वल होगा?
ये एनालिसिस क्लियर हो गया। अब इन सभी रिजल्ट और एनालिसिस का यूज करते हुए क्वेश्चन बना लोगे। वो जो है जीरो बुक सेलेक्ट, सॉरी 12+1 में से एक बुक सेलेक्ट करने का तरीका इतना, दो बुक सेलेक्ट करने का तरीका इतना, 12+1 सी 3 अप टू कितना, 12+1 सी एन बराबर। क्या इसी के इक्वल ये हो जाएगा 12+1, इसके इक्वल एक और चीज हो जाएगा 12+1 सी एन प्लस वन, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इससे पहले वाले टर्म में क्या लिखोगे 12+1 सी एन माइनस वन, इसके इक्वल एक और चीज होगा 12+1 सी एन एन प्लस टू, बराबर है क्या, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसके आगे क्या होगा 12+1 सी एन प्लस थ्री अप टू, देखो 12+1 सी वन के इक्वल क्या रहेगा, 12+1 सी टू एन बराबर। एक काम करो, यहां से यहां तक की चीज आपको ऐड करनी है, करनी है, इसका नाम आप अल्फा रख दो, क्या नाम रख दो, तो क्या यहां से यहां तक की चीज इज इक्वल टू यहां से यहां तक की चीज, ये भी अल्फा ही है। अच्छा 12+1 आएगा, अरे 2n ही आएगा, ये और वो दोनों अभी इक्वल है क्या, तो 12+1 क्यों आएगा, कुछ भी, इसके आगे आएगा 12+1 सी 12+1 बराबर है जी। ये एक नंबर मैंने अपने मन से ऐड किया, देखो 1 से n तक का समेशन, n प्लस 1 से 12 तक का समेशन दोनों आपस में इक्वल है, पर इसको पूरे को सीरीज बनाने के लिए यहां पर एक टर्म की जरूरत है और वो है 12+1 सी 0, और पूरी सीरीज कंप्लीट करने के लिए एक और टर्म की जरूरत है 12+1 सी 12+1। ये दो टर्म मैंने अपने मन से ऐड करा, और ऐड करा तो इसका वैल्यू कितना होता है और इसका वैल्यू कितना होता है, ये थोड़ा बड़ा फ्रेम में लीजिएगा नहीं तो मेरा ये भरतनाट्यम आएगा नहीं उसमें। इसकी वैल्यू कितनी और इसकी वैल्यू कितनी, अब दो ऐड किया हूं तो दो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आई इक्वल टू होता क्या है 2 का पावर 12+1 होता है क्या, यही ना होता है, माइनस 2 करा और अब किसके इक्वल रहेगा, ये 2 का पावर 12+1, समझ पाए आप कि नहीं समझा, समझ गया। अब देखो यही चीज आपको चाहिए, इसे जोड़ने के लिए इसे दोबारा रिपीट करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा और फिर इससे एक सीरीज बनेगा 12+1 सी 0 और 12+1 सी 12+1 ऐड करने पर एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ करेंगे ना, अरे कर देते रुको, वो अल्फा और ये इतना इतना, ये माइनस टू लेफ्ट में किया हो तो राइट में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस टू कर दिया बराबर। अब आपको आप देखो ध्यान से, एक्चुअली इसकी जरूरत थी क्या, हाँ थी, ये क्या है 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस इक्वल टू 2 का पावर 2n प्लस 1 माइनस 2, ये खत्म, ये क्या रहा इक्वल टू 2 का पावर 12+1 माइनस 2। जरा ध्यान से देखो अल्फा का वैल्यू दे रखा है क्या, कितना दिया अल्फा की वैल्यू, कितना दिया है जी 255 दिया है, काटो अल्फा इक्वल टू कितना रह जाएगा 2 का पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना दिया है 255 दिया है क्या कि नहीं दिया है, तो 2 का पावर 2n इक्वल टू कितना 256, तो 2n इक्वल टू कितना 8, तो n इक्वल टू कितना 4, समझ पाए कि नहीं आए,
सोच पाते इतना सब बात? नहीं तो मतलब बाकी लोग सोचा कैसे? दो चार को बच्चा ने बनाया ना, आप भी सोच पाते, सोचने की कोशिश करते, सोच लेते। आपको ये सीरीज जोड़ना था 2n plus 1 c1 से लेकर के 2n plus 1 cn तक, और आपको पता है कि इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तभी आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है। अरे हाँ ना करण यार, एकदम मुर्दे जैसे हो, पढ़ाने की इच्छा नहीं करेगी मेरी? छोड़ गंदम, बहुत थर्ड क्लास रिप्लाई है यार आपके बैच का। मतलब मैं पूछ के इंतजार करता हूँ ये लोग कुछ बोलेगा, जो सोचते हो वो बोलो ना, या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो जाओ कि आपसे सारे सवाल बने, वो तो आप हो नहीं, या तो आप क्वेश्चन का रिप्लाई करो जो टीचर पूछे, ताकि दिमाग खुल सके। आपको ये चाहिए, क्या चाहिए? पढ़ो, ये बने पढ़ो लिखा क्या है, 12+1 c1 से कहाँ तक का चाहिए सम? इसके इक्वल एक और चीज होता है, और क्या है वो चीज? और इसके इक्वल एक और चीज होता है, क्या है वो चीज? तो अगर मैं 2n+1cn से 2n+1c1 को दोबारा लिखूंगा तो 2n+1cn+1 से 2n+1c2n तक लिखूंगा, तो ये चीज और ये बॉक्स दोनों सेम है क्या? तो इसका नाम रख दूंगा अल्फा, इसका नाम रख दूंगा, और ये दिया हुआ है 255। आप देखो इस पूरी सीरीज को कंप्लीट होने के लिए ये लोअर सफिक्स 0 से स्टार्ट होकर के लोअर सफिक्स एंड किस में होना चाहिए, तो मैंने दो टर्म ऐड कर दिए। क्या कर दिए? दो टर्म ऐड कर दिए। तो अगर मैंने दो टर्म एक्स्ट्रा ऐड करे तो दो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस 2 करके क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। काहे किया? इसकी वैल्यू कितनी और उसकी वैल्यू कितनी, और 1 और 1 और 2 माइनस 2 कैंसल हो गया। अब इक्वल टू कितना होता है जी? 2n+ मतलब यहां से यहां तक का सीरीज जोड़ोगे, ऐसे देखो यहां से और यहां तक की सीरीज ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 का पावर 2n+1 मिलेगा, और माइनस तो इक्वल टू 2 का पावर 2n+1 - 2। ये चीज रिजल्ट आ गया। अब इसी को लिखो, ये कितना है जी? और ये कितना है? प्लस दूसरा और फिर प्लस माइनस इक्वल टू, और ये +1 +1 और -2 आपस में कैंसल, तो 2α = 2n+1 माइनस, तो अल्फा इक्वल टू कितना? 2 का पावर 2n माइनस। ये तो नहीं पूछोगे कि 2 डिवाइड करे कि क्या करे, 2 डिवाइड करे तो ये कितना हो गया? 255 दिया था क्या? ये दिया था 255, इस सीरीज का सम दिया था 255, तो 2 का पावर 2n = 256, n = 4 हो गए। अब बोलो इससे बन, इसमें लगने वाले सभी एनालिसिस थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे क्वेश्चन लिखने के बाद, वही दिमाग लगाते तो बना लेते।